करके देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव और देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव है। इसको जाकर जंगल में रिलीज कर देंगे, देख सकते हैं बहुत बढ़कर, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव और बड़े साइज का कुत्ता। दोस्तों देख सकते हैं अभी डब्बे के अंदर डाल रहे थे और ये डब्बे के अंदर जो है बिल्कुल जाना नहीं चाहता है। हे गाइस, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ प्रकाश यादव और अभी एक कॉल आया हुआ है और एक घर के दीवार पे जो है एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है जो कि भारत देश का सबसे विषैला सांप में से एक है और दीवार में इस तरह से छिपकर बैठा हुआ है, उसे निकालने के दौरान वो काट भी सकता है क्योंकि इस तरह के जगह पे सांप जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है और उसको एक अटैक करने के लिए एक अच्छा जगह मिल पाता है, इसलिए वो उछल के भी बाइट कर सकता है। चलिए जितना सावधानीपूर्वक हो सके हम उसे रेस्क्यू करेंगे और दूर जंगल में रिलीज करेंगे। चलिए आइए उधर से, चले ये धीरे से उधर से तो देखे भी नहीं। तो देख सकते हैं गाइस इस जगह पे सांप जो है दिखाई दे रहा है, हमें आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, इसका मुंह किधर है कि उस साइड से दिख रहा होगा ज्यादा, देखो नहीं दिखा था वहाँ से, जरा सा भी नहीं दिखेगा, जाके देख लीजिए। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस के अंदर छिप कर बैठा हुआ है हम लोग, चलिए निकालेंगे। वो तोड़ दीजिएगा तो अपने निकल जाएगा। घुस रहा है इधर ही निकलेगा, देखिए उधर से निकलेगा, ठीक है, निकलने का जगह नहीं, यहीं पे घूम रहा है, बोल रहा है घूम ही रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है। सावल देवी वहाँ जगह है क्या? यहीं पे इधर ही से निकलेगा, देखना ठीक है। अरे उधर कोई नहीं रहना रहे उधर, बहुत बढ़कर, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव और बड़े साइज का कोबरा है, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा साइज का कोबरा होगा। और इधर जा देख सकते हैं, इधर आ गया, यहाँ कपड़ा दे के इसीलिए उधर जाता अभी कहाँ जी, फिर घूम गया, हाँ वही छेदा है, सीढ़ी है क्या, सीढ़ी 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 छोटे साफ ना लगे, देखो मुँह सीधे जंप ही कर जाएगा, जंप मत करिए। वाह वाह वाह,
जैसा कि देख रहे हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हम लोग नाग, ह्यूमन और खरीस के नाम से जानते हैं। और ये भारत देश का बहुत ही विषैला सांप होता है। इसमें हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। इसके काटने के बाद इसका जो वेनम होता है वो इंसानों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही एग्रेसिव है। और ये पलक झपकते ही जो है वो बाइट कर सकता है। और ये अपने फन के वजह से बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है, देख सकते हैं। अरे ये चुप रहिए ना। और दोस्तों ये जो सांप होता है वो चूहों को खाने में बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए हाथ लेगा ना बस हो जाएगा। हम लोग खुद इससे डरते हैं दोस्तों, आवाज नहीं। तो दोस्तों ये जो सांप है अगर काट ले तो एक घंटे के अंदर में इलाज होना बहुत ही जरूरी है। इसके काटने के बाद अगर हम लक्षण की बात करें तो जिस जगह पे काटेगा उस जगह पे सबसे पहले दो सर्पदंश का निशान दिखाई देगा और बहुत ज्यादा मात्रा में सूजन आएगा और फिर धीरे धीरे स्किन का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। फिर इंसानों के आंखों तले अंधेरा छाने लगेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होगा और पूरे बॉडी में पसीना आएगा और इंसान धीरे धीरे अपना नियंत्रण जो है वो खोने लगता है। तो कभी भी इस तरह के सांप काट ले तो आपको सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाना है, जिला अस्पताल जाना है। और जिला अस्पताल में हर समय एंटी वेनम सीरम अवेलेबल होता है, वहाँ पे आपका जान बच जाएगा। लेकिन इसके काटने के बाद आपको एक घंटे के अंदर में इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। और देख सकते हैं ये बहुत ही बिग साइज का है। अगर ये काट ले तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेनम रिलीज कर सकता है, जैसा कि देख सकते हैं। देख सकते दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव है सांप ये। दोस्तों देख सकते हैं अभी डब्बे के अंदर डाल रहे थे और ये डब्बे के अंदर जो है बिल्कुल जाना नहीं चाहता है, और लेकिन इसको डब्बे के अंदर डालना ही पड़ेगा तभी जाके जो है कोई देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव है। और ये ब्लैक कलर में बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है, इसलिए ये बाइट करने का कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव है। चलिए अभी हम पहले थैले में डालते हैं बिना वक्त गवाए, क्योंकि इसे डब्बे में डाल दिया गया है और आप देखिएगा इसे दूर जंगल में रिलीज किया जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही फुर्तीला था सांप, और इस तरह के सांपों को बस कर पाना या फिर बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर केसेस में लोग इस तरह के भयानक सांप को मार ही देते हैं, लेकिन इस तरह के सांप आ जाए तो आप लोगों को दूरी बनाए ही रखना है और वन विभाग से आपको संपर्क करना है। जिस एरिया में वन विभाग होंगे वो आके इस तरह के सांपों का रेस्क्यू करेंगे और जंगल में रिलीज कर देंगे। तो चलिए हम लोग रजिस्टर में अभी साइन करवाते हैं, उसके बाद फिर इसको जाकर जंगल में रिलीज कर देंगे, देख सकते हैं। तो पानी और साबुन सर। तो दोस्तों अभी उस सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है और थैले में हम लोग डाल दिए हैं,
और जैसे कि पहले डब्बे में डाल लिए फिर बैग में डाल लिए, डब्बे में जो है छेद किया हुआ था, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा और इसे जो है दूर जंगल में रिलीज किया जाएगा। तो कभी भी इस तरह के सांप आपको काट ले तो सीधा हॉस्पिटल जाना, खतरनाक हल्ला करते हैं। तो कभी भी इस तरह के सांप आपको काट ले तो आपको घबराना नहीं है, जिस जगह पे सांप काट ले उस जगह का निशान का जो है फोटो मुझे आप व्हाट्सएप में सेंड करें, हम लोग उस निशान को देखकर सिम्टम्स के आधार पर बता सकते हैं और निशान के आधार पर बता सकते हैं कि आपको किस सांप ने काटा है। इसलिए कभी भी इस तरह के सांप काट ले तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और कुछ जो लोग गलती करते हैं वो गलती नहीं करना, जैसे कि लोग सांप को काटने के बाद उसको मुँह से चूसते हैं, मुँह से बिल्कुल भी विष को चूसने का प्रयास नहीं करना है। अरे बच्चा दो मिनट को, तो विष को मुंह से चूसने का कभी प्रयास नहीं करना है। लोग यहाँ पर रस्सी या कपड़ा बांध लेते हैं लेकिन वैसे नहीं बांधना, ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। उसके बजाय आप चौड़ा पट्टी यानी पट्टी नुमा कपड़ा आप ऊपर से लेकर नीचे की ओर बांध सकते हैं, ये विष जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में फैलने नहीं देगा और आप सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचे तो आपका इलाज हो जाएगा। और किसी भी तरह कोई पेन किलर यानी दर्द निवारक कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना है, वरना फिर उसका कुछ अलग ही प्रभाव आपको बॉडी में दिखाई देगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप, कभी भी सांप काट ले तो आपको ज़्यादा चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, फिरना नहीं है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।